आज हम बात करेंगे हेनरिच डोमिनो थ्योरी की। मैंने इसके पहले के वीडियो में ये क्लियर किया है कि एक्सीडेंट के होने की वजहों की भी कई थ्योरीज होती है, एक्सीडेंट कॉजेशन थ्योरीज। मैंने कई तरह की थ्योरीज के नाम लिए थे, तो इसमें से आज मैं ये पहली वाली थ्योरी एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसका नाम है हेनरिच डोमिनो थ्योरी। तो आइए देखते हैं क्या है। हेनरिच ने एक प्रिंसिपल दिया था एक्सीडेंट का ईयर 1831 में। उनका पूरा नाम था डॉक्टर हर्बर्ट विलियम हेनरिच। उन्होंने करीब 75,000 लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट को जब स्टडी किया था इंश्योरेंस की फाइल्स में से निकाल के, उन्होंने पता किया कि 98% जो एक्सीडेंट से वो इन वजहों से हुए हैं, अनसेफ एक्शन की वजह से या फिर अनसेफ मैकेनिकल और फिजिकल कंडीशंस की वजह से या फिर उन दोनों की वजह से या फिर दैट दे कुड बी प्रिवेंटेड, और वो प्रिवेंट किए जा सकते हैं बाय करेक्शन ऑफ द अनसेफ एक्ट्स एंड द कंडीशंस। अगर आप अनसेफ एक्ट और कंडीशंस को करेक्ट कर ले तो ये जो 98% एक्सीडेंट थे वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहली बार फंडा एक्सीडेंट प्रिवेंशन का वहां से आया था। अब एक्सीडेंट की सीक्वेंस हम देखते हैं। The occurrence of a preventable injury is the natural culmination of a series of events or circumstances which invariably occur in a fixed or logical order. उन्होंने कहा कि sequences को series of events होते हैं या circumstances होते हैं जो कि एक logical order में belong करते हैं आपको injury को prevent करना हो तो, और एक दूसरे पे सब dependent है क्योंकि एक दूसरे को फॉलो कर रहा है, तो एक सीक्वेंस बनकर आता है जिसको हम डोमिनोज की रोज से कंपेयर कर सकते हैं। इसीलिए डोमिनो थ्योरी फिर सामने आई है। और इस अलाइनमेंट को कि अगर एक डोमिनो गिरता है तो फिर बाकी पूरे डोमिनोज गिर जाते हैं, तो उन्होंने कहा है कि एक्सीडेंट जो है वो सिर्फ एक फैक्टर है उस सीक्वेंस में। कोई भी एक फैक्टर अगर बिगड़ता है तो वो पूरा की पूरा डोमिनो ढह जाता है, और अगर आप इसमें से कुछ भी फैक्टर्स निकाल देते हैं, वन या सेवरल फैक्टर्स, तो इंजुरी नहीं होती है। तो इन्होंने हेनरिच ने और इसको कहा कि एक्सीडेंट की वजह चेन ऑफ इवेंट्स, छोटे छोटे से इवेंट्स मिलकर एक चेन बनता है और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। तो पहली लिंक अगर चेन में फॉल्टी सोशल एनवायरनमेंट है तो वो ह्यूमन फेलियर करेगी, और इसकी वजह से अनसेफ एक्शन और कंडीशंस होंगे, और इसकी वजह से एक्सीडेंट होंगे जिससे अल्टीमेटली इंजुरी होगी या प्रॉपर्टी डैमेज होगा। और इस सीक्वेंस को 5 डोमिनो थ्योरी नाम दिया गया जो कि एक के बाद एक अपीयर होती है। तो अब हम इसमें आगे देखते हैं। तो मेजर इंजुरी प्रिंसिपल की जो फाउंडेशन बनी थी, जो हम देखते हैं कि 330 अनसेफ सिचुएशंस या कंडीशंस थी, उसमें से 300 थी जिसमें कोई इंजुरी नहीं हुई, 29 में माइनर इंजुरीज हुई, और एक जो था वो मेजर LTI बना, लॉस्ट टाइम इंजरी बना। तो इसका रेशियो निकल कर आता है या सीक्वेंस बनता है 300:29:1 प्रोपोर्शन एम्प्लॉयज अपॉर्चुनिटी टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। तो इंसिडेंट और एक्सीडेंट, अभी 5 डोमिनोज जो हैं इसमें जो है 3 जो है वो इंसिडेंट्स की तरफ रहते हैं और 2 जो है वो एक्सीडेंट को लीड करते हैं। डोमिनो 1 है रूट कॉज मैनेजमेंट का, एम्प्लॉय का, एनवायरमेंट का फेल्यूर। डोमिनो 2 गिरने का मैक्सिमम रूट कॉज है, प्रॉक्सिमेट कॉज है ह्यूमन फेल्यूर। डोमिनो 3 के गिरने का इमीडिएट कॉज है अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन। डोमिनो 4 का जो है एक्सीडेंट सिचुएशन, नो गार्ड, हैस्टीनेस। डोमिनो 5 का है इंजुरी, लॉस, डेथ ऑफ मटीरियल और एनीथिंग डेथ और मटीरियल। 5 डोमिनो सीक्वेंस ऑफ एक्सीडेंट कॉजेशन और ऑक्यूरेंस चेन। तो इसको हम और डिटेल में आगे देखते हैं। ये हेनरिच की डोमिनो थ्योरी के 5 एनवायरनमेंट हैं, जैसे सोशल एनवायरनमेंट जिसमें कि एंसेस्ट्री आता है, सोशल एनवायरनमेंट, एंसेस्ट्रल एनवायरनमेंट फर्स्ट डोमिनो है, सेकंड फॉल्ट ऑफ पर्सन है, थर्ड अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन, फोर्थ एक्सीडेंट की तरफ लीड ले जाता है, और फिफ्थ इंजुरी डैमेज की तरफ। ही हेनरिच के 5 डोमिनोज थ्योरी है। इसको थोड़ा और हम डिटेल में देखते हैं। 1932 की बात करते हैं। एक फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सीडेंट प्रिवेंशन की तरफ काम करा, वो थे H.W. हेनरिच, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट प्रिवेंशन। उन्होंने ये कहा कि सोशल, एनवायरनमेंट, इंसेस्ट्रली, फॉल्ट ऑफ पर्सन जिसको हम केयरलेसनेस बोल सकते हैं, अनसेफ फैक्टर, कंडीशन, एक्सीडेंट और फिर उससे होने वाली इंजुरी, उन्होंने ये करा। और शुरू के 3 को उन्होंने ये बोला कि ये मिस्टेक्स ऑफ पीपल है, ये लोगों की मिस्टेक्स है जिस पर हम काम कर सकते हैं।
और इन्होंने कहा कि अगर एक भी डोमिनो गिरता है तो सारे डोमिनो पीछे पीछे इफेक्ट। और इन्होंने ये भी कहा कि इस मिस्टेक्स ऑफ पीपल को हम फोर्स को हमारी या मैन पावर को हमारी प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू रिस्क मैनेजमेंट। फिर हम इसमें आते हैं डोमिनो फोर में। डोमिनो फोर जो कि एक्सीडेंट इंसिडेंट की बात करता है, इसमें आते हैं एक्सीडेंट या इंसिडेंट्स जो किस प्रकार के हो सकते हैं। इसमें आता है नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट्स, रिपोर्टेबल एक्सीडेंट्स, माइनर एक्सीडेंट्स, मेजर एक्सीडेंट्स, माइनर इंसिडेंट, मेजर इंसिडेंट, नो लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट और नियर मिस एक्सीडेंट और इंसिडेंट। इन सब की डेफिनेशन ये क्या है क्या नहीं है इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ। तो जल्दी ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।